लास्ट लास्ट हम लोग थे क्या सारे टेस्ट नहीं जी बिल्कुल मैं तुझे का थोड़ा लेट है तो मेरे ख्याल आपके दरवाजा बंद किया हुआ था लास्ट टाइम यो मेरे ख्याल हवा चल रही थी तो हवा हवा तो मैंने तो जीता था वो हो रही थी उस टाइम तो मैं समझ रहा कि आपने लॉक कर दिया अंदर से फिर लोगों ने बताया कि नहीं वो हवा बहुत ज्यादा चल रही थी बहुत ज्यादा वो विंडो की वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रही थी कोई और था ही नहीं इस वजह से हम लॉक कर दिए आप लोग सारे बिजनेस वाले कि नॉन बिजनेस नॉन बिजनेस वाले मैं नॉन बिजनेस और बाकी मैं नॉन बिजनेस आप बिजनेस वाले ठीक है आप नॉन बिजनेस ज्यादा हैं अच्छा अच्छा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट टाइम तो जो थे मेरे ख्याल से एक नियाज साहब थे नियाज साहब तो नॉन बिजनेस वो भी नॉन बिजनेस आज है वो और नहीं है अच्छा नियाज साहब थे लास्ट टाइम और एक थे जिया साहब होंगे जिया साहब भी लेट थे आए थे और एक फीमेल थी जिया साहब तो आए हुए नमाज पढ़ेंगे नमाज नहीं पढ़ी होगी ना जी वेट कर ले क्या करें स्टार्ट कर ले सर स्टार्ट कर ले सर ये क्लियर अपना सारा अकाउंट जी सर थोड़ा सा अब ये दे रहा था इसको वो कर लेना इसकी एडजस्टमेंट कर दे यहाँ से ये इसकी फोकस है क्या बस रह गया तो चक्कर तो उसको वो कर ये वो भी रहता है जो ये पत्रस देखो पहचान रहा तो तेरे काफी गुजारा सही करी नदा आवरू नदा जकम कैंपेन मसाला था
चाहे फिर ठीक ही करना ना मैं विंडो साइड दी जनता का डर ना दशम की दिश ठीक है बस यार जरूरत बनी है नॉलेज क्या ही सब सुना हम आपको लगा बस क्या तो हम कुछ आ गया जाए सब कोई आ गया जाए बस ये अपना subject related to your management, which is basic introduction to management and strategy management, right? Yes. Strategy management is basically related with the business rules and introduction to management are related with the non-business rules, right? I will share this these material with you inshallah in your group. I have made your group in the name of the in the name of the strategy management MS plus semester. See, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा आप लोग के लिस्ट पे मुझे कॉन्टेक्ट कर दें या अगर सर के पास हुए तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा ठीक है स्पेसिफिकली रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर दिस सब्जेक्ट ठीक है ना इंडिविजुअल तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को कर दूंगा और इससे रिलेटेड जो भी मटीरियल जो हम लेक्चर होंगे तो मैं आपको डायरेक्ट उस क्या कहते हैं उस ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूँगा ठीक है ना जी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट जो हमारे पास बेसिक मैनेजमेंट का जो कोर्स कंटेंट है ठीक है दिस इज योर कोर्स कंटेंट व्हिच ऑलरेडी वी डिस्कस्ड एंड स्टार्टेड फ्रॉम द इन द प्रीवियस लेक्चर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट क्योंकि आप लोग आज फर्स्ट क्लास है तो आप शुरू कर तो मैं उसको जरूर रिवाइज कर देता हूँ ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वी हैव स्टार्टेड लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट व्हाट इज मैनेजमेंट व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट दीज मटीरियल आर द समरी फॉर्म ऑफ द मटीरियल एंड आई हैव समराइज्ड दिस इन द क्वेश्चंस फॉर्म ठीक है यानी कि आपके पास जो भी मटीरियल है आपके पास एक क्वेश्चंस फॉर्म में मैंने समराइज किए ताकि आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ईजी हो So the first question is define basic what is management and describe the essential characteristics or nature of the management. ठीक है? Generally हमारे पास जो management का concept होता है ना, ठीक है? To manage something. जी? To manage something. सही है? बेसिकली यहाँ पर डिफाइन भी हुआ है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन ठीक है गेटिंग गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वर्क समझ आ रही ना जब हम किसी की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म करते हैं ठीक है और उसके जरिए किसी गोल को अचीव करते हैं या किसी टास्क को अकॉम्प्लिश करते हैं अब किसी टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज भी यूज होंगे ठीक है डिफरेंट पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट में बात करते हैं ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट में कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अप्लाई इन्वॉल्व नहीं होता ठीक है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट को चलाने के लिए समझ आ रही ना और आर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए डिफरेंट पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिसके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होता है अचीव करते हैं ठीक है गोल कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल क्या होगा प्रॉफिट अर्निंग होगा समझ आ रही है सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अगर प्रॉफिट उनका गोल प्रॉफिट अर्निंग करना है तो प्रॉफिट ही होगा समझ आ रही है
अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी उनका एक स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं। उस गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट रिसोर्स को यूटिलाइज करते हो, ठीक है, और उस रिसोर्स में आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी आती है, उसमें आपके फाइनेंशियल रिसोर्स भी आती है, उसमें आपके ऑपरेशन रिसोर्स भी आती है, समझ आ रही ना, ठीक है। तो उस रिसोर्स को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट वर्कर्स या डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जो होती है, एम्प्लॉयज होती है, उसको आप यूज करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, ठीक है, और उस गोल को अचीव करते हो। बेसिकली दैट इज द मैनेजमेंट। जो डिफिनेशन में कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द इज एन आर्ट, ठीक है, ये एक आर्ट होता है, ठीक है, जिसके जरिए इज ऑफ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद एंड विद थ्रू एंड अदर पीपल, समझ आ रही है ना, थ्रू एंड विद पीपल, सही है। तो इसी को हमारे पास ये कहते हैं मैनेजमेंट, इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म एंड इंडिविजुअल कैन कोऑपरेट टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। अकॉर्डिंग टू द एफडब्ल्यू टेलर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है, सही है। चीपेस्ट वे से मुराद ये है कि आपके पास इसमें हम चीपेस्ट वे से मुराद ये कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग अ मैनेजर काम करते हो, ठीक है, तो आपका मेन टारगेट, मेन मकसद क्या होगा कि आप गोल को भी अचीव करो, टास्क को भी कंप्लीट करो, लेकिन साथ साथ आपको आप क्या करो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सको, समझ आ रही ना, कॉस्ट को रिड्यूस करना ही सबसे फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास जो होता है ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके जरिए आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं, समझ आ रही ना। आपका प्रॉफिट गोल तब ही अचीव होगा जब आपका कॉस्ट क्या होगा, कंट्रोल होगा, सही है। और कॉस्ट किसी स्पेसिफिक रिसोर्स के साथ रिलेटेड नहीं होता, कॉस्ट ए टू जेड जो होती है तमाम रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड होता है, समझ आ रही ना, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिफाइन किया जाता है कि द एक्ट, द मैनर और द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग, हैंडलिंग, सुपरविजन और कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस, मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव वर्कर, ये तमाम आपकी जो कॉस्ट जिसके साथ लिंक करता है, द पर्सन और द पर्सन हु कंट्रोल और डायरेक्ट द बिजनेस और अदर इंटरप्राइजेस, एंड स्किलिंग मैनेजिंग जो होती है जो कि एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज को डिफाइन करती है, ठीक है। जी क्रिश्चियन मंस की को गाना बात है, नो इशू, नो प्रॉब्लम, दो में सर नहीं रखना था काइंडली पुष्टो के बता, बिल्कुल बिल्कुल, नो दस एनी बात हम मजमों को से ज्यादा गणेश तो करुण में एचआरएम में ले ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स में, जी 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 भाई के मंगल शांति वेरी की मतलब जब स्केल जो दबाव मंगरा लो है कब भी अब तक तब मंगल का वो गलत बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, ये आपको आपको एक्सप्लेन करता है कि आप रिक्रूटमेंट कैसे करते हो, आप सिलेक्शन कैसे करते हो, आप ट्रेनिंग कैसे करते हो, आप अपनी स्टाफ की डेवलपमेंट कैसे करते हो, आप अपनी स्टाफ को इम्प्रूवमेंट कैसे करते हो, ठीक है, उसको उसके जरिए अपने स्टाफ के जरिए अपनी एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करते हो, बेसिकली वो ह्यूमन रिसोर्स में के कंसेप्ट में डिफाइन होता है, क्लियर। तो आप उसी कंसेप्ट से बात कर रहे हो ना, ठीक है ना, तो सुमा का कांसेप्ट के बाद कांसेप्ट की खबर है कोई। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये जो आज आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़े ये जनरल मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसमें हम तमाम चीजों को कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर ब्रॉड लग रहा है वो वाला आंसर है, अगर स्पेसिफिक है उसको हम स्पेसिफिक टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने बात की कि जो मैनेजमेंट होता है ये बेसिकली पर्पस या एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, क्योंकि इसके इसके जरिए आपके एक पर्पस को अचीव करते हो, ठीक है। इट इज समथिंग दैट डायरेक्ट ग्रुप एफर्ट एंड टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ द सर्टेन डिटरमाइंड गोल या डिटरमाइंड गोल जो होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर पीपल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग वर्ल्ड। Of course, these goals may be varied from enterprises to enterprises. Okay, for one enterprises, it may be launching of the new product by example, hey, by conducting market survey, and for other may be profit maximization by minimizing cost. Okay, सही है ना? अगर एक एक enterprises है, उसका उसका जो है market survey है, ठीक है ना? Market survey करना चाहता है, लेकिन वो अपने new product को innovation या new innovation ला सके, ठीक है?
तो उसकी उसका गोल डिफरेंट हो जाता है, और एक होता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो वो उसका जो गोल होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है, गोल चेंज हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की जो हमारे पास एक्टिविटीज होती है या मैनेजमेंट की जो हमारे पास प्रोसेस होता है या मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होगा, तकरीबन सेम होता है, जिसके जरिए मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और गोल को अचीव करता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम जो मैनेजमेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे बेसिकली आप समझ लें कि आप बीइंग अ मैनेजर जो है आप उसको कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये बेसिक इस वजह से मैं आपको एक स्टेप वाइज लीड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएटिंग इंटरनल एनवायरनमेंट, ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएशन के लिए होता है। इट इज द मैनेजमेंट व्हिच पुट इनटू यूज द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये बेसिकली मैनेजमेंट ही होता है, मैनेजमेंट भी होता है जिसके लिए आप क्या करते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस कर रहे हो, सही है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल लेवल बिजनेस कर रहे हो, तो आप जितने भी आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो तो एक सीक्वेंस एक कंसेप्ट के जरिए करोगे कि आप उसको किस तरह मैनेज करोगे, समझ आ रही है ना। कौन सी चीजें जो है आप उसको बिजनेस को रन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है, कौन सी चीजें आपको बिजनेस के दरमियान वर्क डेली एक्टिविटीज में रिक्वायर्ड है, उसको आप किस तरह मैनेज करते हो, उसकी कैलकुलेशन होना, उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन होना डेली बेस पे। अगर आप सेल करते हो, सेल बिजनेस है, ठीक है, तो सेल को रिकॉर्ड करने, सेल को मैनेज करना, सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, समझ आ रही है ना। ये आप उसके बिजनेस की वो बेसिक एक्टिविटीज होती है, डेली एक्टिविटीज होती है, जो आपकी जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस फैक्टर्स को आप क्या करते हो, बिजनेस के कंसेप्ट के लिहाज से उसको आप मैनेज करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर यही आपको डिफाइन कर रहा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू क्रिएट सच कंडीशन विच आर कंडक्टेड टू मैक्सिमम इफर्ट सो डेट पीपल आर एबल टू परफॉर्म दियर टास्क एफिशिएंटली एंड effectively, ठीक है ना। efficient to effective का मतलब यहाँ पर क्या है, efficient का मतलब क्या होगा, efficiency क्या होता है, efficiency का मतलब है कि आप अपने कम से resources को कम से कम utilize करके maximum से maximum output या result हासिल कर सको, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाती है, आपकी efficiency बन जाती है, ठीक है ना। कम से कम cost के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा profit earn कर सको, सही है, सही है जी। जी 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 एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी मुख्तलिफ हायरार्किकल लेवल्स आती हैं, ज़ियाद साहब को शायद इसका इलम भी हो, ठीक है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट अभी इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस हो, आप बिजनेस ऑन करते हो, खुद ऑन करते हो, तो जितने भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म डिसीजंस होगी वो कौन करेगा, आप ही करोगे, सही है ना। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप ही करोगे ना, सही है। बिजनेस को डिसीजन करना, उसकी लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करना, डिसीजन लेना, ये आपका काम होगा। अब उसको उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास मिडल मैनेजमेंट होगा जिसके जरिए आप अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करोगे, समझ आ रही है। और उस डिसीजन को आप इंप्लीमेंट करते हो, आप एक गोल डिफाइन करते हो, ठीक है ना, एक प्रोजेक्ट होता है जो भी हो सकता है, उसके लिए आप मिडल मैनेजमेंट जो होता है क्या करता है, आपके डिसीजन को आगे आपके बिजनेस आपके बिहाफ पे उसको अचीव करने के लिए अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को यूज करता है। कम पॉलिसीज का मिशन दे एडमिनिस्ट्रेटर टॉप मैनेजमेंट में आता है, और एडमिनिस्ट्रेटर में मैनेजर का और कई चीजें पॉलिसीज और का मिशन मस्टूडेंट्स एग्जैक्टली। अब मैनेजर क्या करता है, अभी लेक्चर में आएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के जरिए उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, क्लियर हो गया। ये बेसिकली मैनेजमेंट का कांसेप्ट है। यहां पर आपको डिफिनेशंस के पार्ट डिफरेंट डिफिनेशंस आपको मिलेंगी, ठीक है, लेकिन जो मेन डिफिनेशन हम बात करते हैं, जो मैंने यहां पर ये स्टार्ट में डिफाइन किया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद पीपल, ठीक है, इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, सही है ना। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के जरिए क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है।
इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने मुख्तलिफ किस्म की चीजों को डिस्कस किया था। ये मैं ब्रीफली आपको यहाँ पर ये के कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो हमेशा जो मैनेजमेंट किया जाता है फॉर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ द पीपल होता है या कम्युनिटी होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेटअप होता है, गोल ओरिएंटेड जरूर होगा। समझ आ रही ना? गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि एक टारगेट होगा, एक गोल होगा, एक सब्जेक्ट होगा जिसको वो अचीव करेंगे। सही है? हमेशा मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है? गोल ओरिएंटेशन होता है, गोल अचीवमेंट होती है। ठीक है, ये मैं ज्यादा इस में नहीं जाऊँ। मैनेजमेंट इंटीग्रेट ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, ये इसका नेचर। जब ये हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल होगा, उसको मैनेज करना, जिस तरह आप लोग एचआर में पढ़ रहे हो। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल हो गया, अदर जो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन में टेंजिबल फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है, वो भी शामिल होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स भी शामिल होगा। ठीक है, जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक या इसका नेचर है। ठीक है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस फंक्शन। मैनेजमेंट कोई भी यानी कि शॉर्ट फॉर्म के लिए नहीं होता, मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं होता। मैनेजमेंट जो होता है आप किसी ये नहीं कह सकते कि वन डे एक्टिविटी है, ठीक है, या शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। जब तक आप एक बिजनेस रन करते हो आपका मैनेजमेंट होगा कंटिन्यू। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ठीक है ना, मैनेजमेंट किसी स्पेसिफिक सेक्ट, किसी स्पेसिफिक टास्क या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता। ठीक है, उसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि वेदर इट इज अ पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चर हो या बिजनेस हो, ठीक है ना, ये तमाम जो होती है उसमें मैनेजमेंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिस तरह जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मेंशन किया गया, क्लब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है ना, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, बिजनेस फॉर्म्स हैं, ऑल रिक्वायर्ड मैनेजमेंट। ठीक है ना, सही है, इसका मतलब परवेसिव होता, मतलब किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए नहीं होता या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह मैंने कहा कि ना कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसी एक पर्सन का काम नहीं होता। समझ रहे, किसी इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल फर्द का काम नहीं होता। ठीक है, तो ये ग्रुप एक्टिविटीज होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट भी है और ये साइंस भी है। जिस तरह हम साइंस करते हैं ना, साइंस स्टडी करते हैं, साइंस में सिस्टमैटिक नॉलेज यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं साइंस में, इसी तरह मैनेजमेंट भी एक साइंस होता है और एज एन आर्ट भी हम इसको मैनेजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, स्किल्स यूटिलाइज करते हैं, एक्सपर्टीज यूटिलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस को यूज करते हैं और उस एक्सपीरियंस के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक आर्ट भी हो जाता है। तो दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है ना, इसी तरह मैनेजमेंट जो होता है एक्सटेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किस एवरी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिफाइन है कि ऑब्जेक्टिव इज द बेसिक क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है ना, आप अपनी जो भी आपका फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एडमिशन किया है तो इसके पीछे आपका क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव तो होगा, समझ आ रही है ना, जिसके जरिए फिर आप उस एक्टिविटी तमाम सेशन जो आपका होगा उसको आप अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या एकेडमिक के लिए या स्कीम ऑफ द स्टडी जो भी है उसके मुताबिक आप तमाम चीजों को क्या करते हो, मैनेज करते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है ये क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और ये स्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल बीइंग अ मैनेजर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क सर्विस परफॉर्म कर दिए और आपको अपना गोल डिफाइन ना हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल डिफाइन ना हो, तो क्या आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं या आपका जो सबऑर्डिनेट होता है उस गोल को अचीव कर सकता है? नहीं। तो गोल जो होता है ये क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट जो होती है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व। टॉप मैनेजमेंट मेन डिसीजंस करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं जिस तरह आप कह रहे हो। मिडिल मैनेजमेंट भी जो होता है, मैनेजर जो होता है अपनी यूनिट अपनी जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो वो जो भी डिसीजन करेगा वो उस बिजनेस के बिहाफ करेगा। बाजों का सबऑर्डिनेट जो होती है वो भी डिसीजन मेकिंग करते नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में अपनी ओपिनियन अपनी क्या करते हैं,
कंट्रीब्यूशन जो होती है वो जरूर करते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो होता है ये ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना, रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। सर द यू टॉक शो यू मेटल शो यू ब्लू शो लो द एम्प्लॉई को कमी होने लगे तो मिस्टर एम्प्लॉई लोअर मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर, ठीक है, टीम लीडर्स, समझ आ रही ना, ये तमाम लोअर मैनेजमेंट में आते हैं। इसको फिर एक हिस्से है, फिर हम जो व्हाइट कॉलर्स होते हैं और ब्लू कॉलर्स होते हैं उसको भी हम लोअर मैनेजमेंट में डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो ब्लू कॉलर्स होते हैं। रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो होता है, जो कि किया जाता है रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज के दरमियान जो लिंक्स होता है, ठीक है, वो भी आपको ये मैनेजमेंट की बेस पे उसको लिंक करता है। वर्क विद एंड थ्रू पीपल, ये बेसिक कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, समझ आ रही ना, कि मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि आप क्या करो, लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से कोऑपरेटिव तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म करो और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करो। मल्टीडिसिप्लिनरी है, ठीक है ना, मल्टीडिसिप्लिनरी है, मतलब ये है कि जो यहां पर ये है कि मैनेजमेंट जो होता है मल्टीडिसिप्लिनरी बिकॉज इट इंक्लूड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स साइकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी ऑपरेशन रिसर्च हिस्ट्री all the subjects of the other concept involved in the management. Let's stop for a second. ठीक है, तो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है मैनेजमेंट जो होता है, यही कि ये नहीं कि हम स्पेसिफिक इसमें इसमें तमाम सब्जेक्ट जो होती है उसका जो नॉलेज होता है इंफॉर्मेशन होती है वो तमाम सब्जेक्ट आप यूटिलाइज करते हो अपने मैनेजमेंट में, ठीक है ना, रिलेटेड टू द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वर्क रिलेटेड टू द कोई आइडियाज होता है कोई ओपिनियन होती है कोई डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है ना, कोई कुछ एक्सपर्टीज होती है तो आप उसको यूटिलाइज करते हो उसकी सब्जेक्ट की बेस पे, ठीक है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक वर्ड, ठीक है ना, हमेशा जो होता है मैनेजमेंट ये फ्लेक्सिबल रहता है, सही है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स एड्रेसिंग जो होता है, समझ आ रही है, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, सही है। ये नहीं ये होता है कि आप सेम मैनेजमेंट जो होता है एक रूल्स है या पॉलिसी या तमाम प्रोजेक्ट के लिए प्लान, नहीं, हर प्रोजेक्ट के मुताबिक आप उसको एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, समझ आ रही है, तो इस लिहाज से ये डायनेमिक होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसके बाद ये कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन है, मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन या मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल, अगर लास्ट में अगर मैं पॉइंट पे आता हूँ तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, ठीक है, हाउ एवर मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल बट आर टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, जिस तरह मैंने बात की, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ प्रोजेक्ट मीडियम टर्म होंगे, समझ आ रही है, कुछ प्रोजेक्ट हाई बजट होंगे कुछ लो बजट होते हैं, सही है। तो ये लो बजट और हाई बजट होता है ये इसको मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करता है, अगर लो बजट है इसका मतलब है कि लो रिसोर्स रिक्वायर्ड है कम रिसोर्स रिक्वायर्ड है, समझ आ रही है, तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज या मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग जो होंगे वो भी लो होंगे, लेकिन अगर इसका कंपेयर टू द लो मैनेजमेंट बजट प्रोजेक्ट है हाई हाई प्रोजेक्ट है, हाई प्रोजेक्ट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा तो उसका जो रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगी कॉस्ट भी ज्यादा होगा, समझ आ रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, तो उसके मुताबिक आप उसको क्या करते हो फिर मैनेज करते हो, सही है। तो इस लिहाज से भी ये एक यूनिवर्सल होता है यूनिवर्सल फिनोमेना कहलाता है, क्लियर हो गया। लास्ट इसी को हमने सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन एज अ साइंस एंड एज एन आर्ट एंड एज अ बोथ, यानी कि उसको बोथ में एक्सप्लेन करो, ये हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। साइंस तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज साइंस, क्लियर है, ठीक है, साइंस का कंसेप्ट क्या है, किसी या मैट्रिक से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर उस साइंस को इसी मैनेजमेंट में मर्ज किया गया, ठीक है, जिस तरह के हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक फील्ड ऑफ द स्टडी दैट कंटेन जनरल फैक्ट व्हिच एक्सप्लेन फेनोमेना, ये एक साइंस का डेफिनेशन है। It also explains establish the cause and effect of relationship between two or more variables and underlying principle governing these principles. ठीक है ना, जो भी science का concept है, ठीक है, these are principle are developed through scientific method of observation, ठीक है, and verification through testing. यही है ना, और यही चीजें हम research में भी करते हैं, ठीक है, जब research किया जाता है तो research start कहाँ से होता है, observation से start होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और उसके जरिए फिर साइंटिफिक टूल या मेथड या टेक्निक अप्लाई करते हैं, टेस्ट अप्लाई कर टेस्टिंग करते हैं और उसके जरिए फिर एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं,
समझ आ रही ना। तो सेंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल। सेंस ने जो भी प्रिंसिपल डिफाइन किए यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेबल है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस उसमें शामिल होती है साइंस में, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसमें शामिल होता है जब हम साइंस को करेक्टराइज करते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड रिलेटिविटी उसमें शामिल होता है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन होता है या जो भी साइंस की बेस पर होता है तो उसके पीछे एक फार्मूला होगा, उसकी बेस पे एक एक्सपेरिमेंट होगा, समझ आ रही है। उसकी बेस पे एक वैलिड रिसोर्स होगा जिसके जरिए, यानी कि आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिया गया H2O का, ठीक है ना। तो H2O के पीछे जो है एक पूरा टेस्ट है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर आपके पास क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। ये आपको एक साइंस का यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट को एक्सप्लेन करता है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट जो है, मैनेजमेंट बेसिकली जब आप अप्लाई करते हो तो उसके पीछे आपके पास एक नॉलेज होता है, ठीक है, आपके पास एक स्किल होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि फाइनेंस मैनेजर, हाँ, तो फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, फाइनेंस चीज, फाइनेंस स्किल और एक्सपर्टीज को यूज करता है और उसके जरिए फाइनेंस को मैनेज करता है, सही है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास क्या होगा, उसके पास उसकी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज से रिलेटेड स्किल और एक्सपर्टीज होती है जिसके जरिए वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन मैनेजर होता है। ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडस्ट्री के ऑपरेशन को मैनेज करना, कि जो मटेरियल वो यूज करेगा वो किस तरह यूज करता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस किस तरह होता है, ठीक है ना। ओवरऑल डे एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है वो परफॉर्म करता है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक वो उसकी मैनेजिंग उसकी उसमें आती है, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, ठीक है। उसमें आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होता है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज, समझ आ रही ना। आपकी पर्सनल स्किल्स उसमें आ जाती हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी भी है, ठीक है ना। बाज़ों का जो होता है, हर यहाँ पर एग्जांपल दे दे कि आर्टिस्ट का काम क्या होता है, आर्टिस्ट जो कि हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, समझ आ रही ना। जो इसी तरह इसमें इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन भी शामिल होता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो इज ए क्रिएटिव इन नेचर लाइक एनी अदर आर्ट, ठीक है। दूसरे आर्ट की तरफ जो मैनेजमेंट होता है ये भी आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। इट कंबाइन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस, यह करता है आपकी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जितने भी रिसोर्सेज होती है उसको कंबाइन करता है इन ए यूजफुल वे टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना, डिजायर्ड रिजल्ट को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली उस मैनेजर स्किल्स शामिल होती हैं जो अपनी एक्सपर्टीज स्किल को यूटिलाइज करता है और क्रिएटिविटी लाता है। इट प्रोड्यूस स्वीट म्यूजिक बाय कंबाइनिंग फोर्स एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखते हो ना, क्या वर्क के साथ साथ इनोवेशन आती है, सही है ना। ये इनोवेशन के पीछे एक आइडिया शामिल होता है, उस आइडियाज के पीछे जो होता है वहां पर जो एक्सपर्टीज होती है, एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी स्किल, उनका नॉलेज, उनका उनका जो बैकग्राउंड होता है वो शामिल होता है, तभी वो क्रिएटिविटी आती है, समझ आ रही है ना। उसमें उस क्रिएटिविटी में उसकी क्रिएटिविटी मैनेजर से लेकर टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट जो लेबर होता है वो तमाम की कंट्रीब्यूशन होती है और तमाम की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज के जरिए वो इनोवेशन जो होता है पॉसिबल होता है, समझ आ रही ना, ठीक है ना। इंजीनियर उसमें शामिल होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज उसमें शामिल होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो इस लिहाज से ये क्रिएटिविटी होती है। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, जो कि हम आर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। जिस तरह एक आर्ट कोई भी आप टास्क करते हो ना, ठीक है, तो आप अगर उसको इंडिविजुअली करते हो, फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग ले लें, ठीक है, लेकिन अगर आप ड्राइंग एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन अगर आप ड्राइंग करेंगे तो एक दफा मदद करेगी, दूसरी दफा ऐसा है तो उसमें क्या होगी, इंप्रूवमेंट आएगी, वह के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट आएगी ना, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस ज्यादा होगा उतने ही वो चीज परफेक्ट होती है। तो इसी तरह ये मैनेजमेंट जो होता है ये इस तरह नहीं होता कि हम उसको 100% परफेक्ट कह सकते हैं स्टार्ट से, नहीं। इंसान कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, समझ आ रही है। तो मैनेजमेंट जो इंप्रूवमेंट होती है ये बेसिकली आपके प्रीवियस बैकग्राउंड की जो स्किल्स होती है, प्रैक्टिसेस होती है, उसकी बेस पे इंप्रूवमेंट आई जाती है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये एक आर्ट होता है, गोल ओरिएंटेड। हमने स्टार्ट में कहा कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ये इसको फिर कंबाइन किया गया मैनेजमेंट से बहुत आर्ट एंड साइंस। क्लियर हो गया। एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। वेरियस कंसेप्ट है यहां पर,
हमेशा याद रखें, अभी तक आई होप कि आप लोगों को मैनेजमेंट की डिफिनेशन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये जो हमने जितने भी ये स्टेप्स पढ़े हैं ना, ठीक है, ये नेचर वाइज ये हेडिंग्स पढ़े हैं, ये बेसिकली ये हेडिंग ही आपको बेसिकली वो एक्सप्लेन करता है कि मैनेजमेंट होता क्या, सही है ना। अगर आपको ये पॉइंट सिर्फ याद हो तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइनली उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही है ना। कुछ चीजें रिपीट होगी इसमें, सही है। इसी तरह अवेयरनेस कांसेप्ट, मैनेजमेंट कांसेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस डिसिप्लिन में प्रिंसिपल्स कांसेप्ट भी होती है, साथ साथ उसमें कुछ प्रिंसिपल भी शामिल होते हैं, यानी कि हर हर जो होती है हर एक्टिविटीज का जो होती है कुछ ना कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल होती है। इसी तरह मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस पे आप मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ द पीपल एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ द पीपल मीन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज अब इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए आपके पास ग्रुप ऑफ द पीपल होना चाहिए, समझ आ रही है, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, सही है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर जो होता है, एचआर मैनेजर जो होते हैं, वो फाइनेंस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह फाइनेंस मैनेजर एचआर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, सही है ना, ठीक है। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके जरिए आप अपनी, जिसमें ग्रुप ऑफ द पीपल इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है। अब एजुकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसकी तरफ हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ भी जाएंगे, उसमें हम विजन मिशन को डिस्कस करेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होगा, एक मिशन होता है, ठीक है, और उस मिशन में ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, सही है ना, क्लियर। उस गोल ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सही है, डिफरेंट एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन वो गोल जो होता है टू सम एक्सटेंट वो अचीव करते हैं। तो एक प्रोसेस हो जाता है, समझ आ रही है ना। एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, हम अगर हम कहेंगे मैनेजमेंट सिंगल एक्टिविटी है, सिंगल पर्सन एक्टिविटी है, सिंगल डिपार्टमेंट एक्टिविटी है, ठीक है। जिस तरह जस्ट लाइक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इंडस्ट्री में डिफरेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमोबाइल ले लें, ठीक है, तो उसमें ऑटोमोबाइल को फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, मटेरियल अलग होगा, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी हम प्रोड्यूस करते हैं, कार प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें डेंट जो होते हैं या जो कलरिंग होता है उनकी अलग होगी, ठीक है, उसमें पैकिंग अलग होगा, लेदर का काम अलग होगा, स्टील का काम कंपनी अलग होगी, ठीक है ना, समझ रहे। तो डिफरेंट कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है और एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, समझ आ रही है। इस लिहाज से मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस हम इसको डिफाइन करते हैं। यहां तक लास्ट लेक्चर में भी हमने तकरीबन यही तक हमने इन चीजों को डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट इसमें नए आ गए, ठीक है। ठीक है, हम लोग दामो के टूल तीसरा भी लास्ट क्लास की आई थिंक चिकन को कसा गुरु आगे क्या ज्यादा से वो ज्यादा प्याज ऐड रहा है और दीम जोड़े दी दीम रहा है दी ऐड रहा है। समझ तो आ रही है आप लोगों को ना, हां, ठीक है। अब ये हम आते हैं क्वेश्चन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिस तरह हमने कहा, ठीक है, आपकी ही उस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पोजीशन डिफाइन करते हैं ना, ठीक है, और मैनेजरियल पोजीशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो मैनेजरियल पोजीशन को हम कैटेगराइज करते हैं उसकी मैनेजरियल की अथॉरिटी पे और उसके स्टेटस पे, ठीक है ना, समझ आ रही है ना, ठीक है, अथॉरिटी पे और स्टेटस पे। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना कि सीनियर मैनेजर, लोअर मैनेजर, ठीक है ना, डिपार्टमेंट मैनेजर, यूनिट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, जिस तरह मैंने कहा फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ना, ये उनकी अथॉरिटी और उसका स्टेटस को कैटेगराइज करता है, ठीक है। इसी अथॉरिटी और स्टेटस की बेस पे जब हम मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट बन जाता है, समझ आ रही ना, ठीक है। अब उसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है तीन लेवल में डिफरेंशिएट करता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट की यहां पर ब्रीफ
हमारे पास इसको मैंने यहाँ पर शो किया गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसको सीनियर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट सच एज सुपरवाइजर या टीम लीडर हो गया। टॉप मैनेजमेंट जो होता है इसी में टॉप मैनेजमेंट डिफिनेशन भी आता है, टॉप मैनेजमेंट का ओवरऑल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या होगा, रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट के लिए जरूरी क्या जाता है, रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको क्वेश्चन के, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका काम क्या होगा या एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या टॉप मैनेजमेंट के लिए जो होता है ये होना चाहिए एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। दे हैव टू बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट के पास एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो अवेयर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, मार्केट है, जिस मार्केट में वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, जिस मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, समझ आ रही है, जिस कस्टमर को वो अपने प्रोडक्ट को, जिस कस्टमर के लिए या जिस क्लाइंट के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए, उसकी उनकी नीड उनकी डिजायर के बारे में उसके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। देयर डिसीजन आर जनरली फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, हमेशा जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन करते हैं, ठीक है, ताकि वो बिजनेस को फ्यूचर ओरिएंटेड कर सके, बिजनेस के फ्यूचर गोल को अचीव कर सके, समझ आ रही है ना, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सके। Their decisions are based, are made using analytical, directive, conceptual and behavioral participative processes. तमाम चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है ना। ये नहीं होता कि डिसीजन डायरेक्ट डिसीजन नहीं, उसके पीछे वो क्या करेगा, उसके पीछे वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करेगा, एनालिटिकल टूल्स के जरिए उसको यूटिलाइज करेगा, डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है ना, तमाम चीजें उसमें शामिल होगी तभी उसके पास वो डिसीजन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मतलब है लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। दे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का विजन को डिफाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या क्या हो सकती है, इनके लिए टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दे हैव टू चेक आउट द प्लान एंड सी द प्लान दैट इज इफेक्टिव इन फ्यूचर एंड दे आर एग्जेक्टिव इन नेचर, समझ आ रही है ना, ठीक है। ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की होते हैं। अब इसमें कौन होते हैं, दिस इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें आते हैं सीईओज आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम कहते हैं। दे कंप्राइज स्मॉल ग्रुप्स होते हैं बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ग्रुप है तो स्मॉल है, ठीक है ना, लिमिट है, सही है, लेकिन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट एंड दे फॉर्मुलेट प्लान्स, डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्युनिकेट टू द मिडल मैनेजमेंट, ठीक है। मिडल मैनेजमेंट को फिर ये तमाम चीजें क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, सही है। मिडल मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द टॉप मैनेजमेंट उस एक डिसीजन के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और लोअर जो मैनेजमेंट होता है उनसे उस एक्टिविटीज को उनके जरिए फिर उस एक्टिविटीज या टास्क या गोल जो भी होता है उसको अचीव करते हैं, समझ आ रही है। ये हो गया टॉप मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट हमारे पास ब्रांच मैनेजर एंड डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं या डिपार्टमेंटल मैनेजर, ये मिडल लेवल्स मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दियर डिपार्टमेंट्स, फॉर द फंक्शन ऑफ दियर डिपार्टमेंट। मिडल है ना, मैनेजर है ना, तो मैनेजर तो एक यूनिट का भी हो सकता है, डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, समझ आ रही है ना। दे डिवोट मोर टाइम, दे डिवोट मोर टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शन, सही है। In small organization, there is only one layer of the middle level of management. But in big enterprises, there may be senior, or junior middle level of management. ठीक है? According to the nature of the business. ठीक है ना? Nature of the business means कि जिस business जितना size expand होगा, सही है? तो उतनी ही फिर resources और तमाम चीज़ ज़्यादा utilize होंगी. ठीक है? तो उसी तरह फिर आप उसको management को क्या करते हो? Divide करते हो. ठीक है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडल मैनेजमेंट के, एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लान जो टॉप मैनेजमेंट ने किया होता है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, समझ आ रही है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, यानी कि सर्विस सेक्टर हो, प्रॉफिटेबल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तमाम चीजों में, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ये हो। दे मेक प्लान फॉर द सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी प्लानिंग करते हैं लेकिन वो अपने सब यूनिट के लिए करेंगे जिसके जरिए उस गोल या जो डिसीजन लिया होता है या जो टास्क होता है उसको परफॉर्म कर सके, अचीव कर सके, ठीक है ना। दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द लोअर मैनेजमेंट,
ठीक है, समझ आ रही है। दे इसी तरह दे इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, क्योंकि ये मिडल है। मिडल का मतलब है कि दे जस्ट लाइक इज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप एंड मिडल मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट, ठीक है, उनके दरमियान में एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं। See, they are responsible for coordinating the activity with the division or department. It also spends send important report and other report data to the top management. इसी तरह they evaluate performance of the junior manager and they also responsible for inspiring lower level manager toward the better performance. ठीक है, point से या इसको आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसका main task क्या होता है। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या हो सकती है, इज अ सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट जो होता है, दीज आर द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आरसी डेविस, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट रिफर टू दोज एक्टिविटीज हु वर्क हैज टू लार्जली विद पर्सनल ओवरसाइट एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑपरेशन एम्प्लॉइज। ठीक है ना, In other word, they are concerned with the direction, control and function of the management. ठीक है, management के कुछ function होते हैं जिसमें planning आता है, organizing होता है, direction आता है, leading होता है, controlling होता है। ठीक है, ये basic functions हैं management के, समझ आ रही है? तो जो direction और controlling function है ना management का, ठीक, इसके साथ ये क्या होते हैं, lower level management जो होते हैं concerned होते हैं, ठीक है, connected होते हैं। सही है, उनकी responsibilities क्या होती है, assigning of the job and task to various worker, to various, अब supervisor है ना, supervisor जो क्या करेगा, जो भी उसका labor unit होगा उसको task assign करेगा। सही है, ठीक है, इसी तरह they guide and instruct worker for day to day activities। ठीक है, उसका काम क्या होता है, activities के लिए अपने जो subordinates होते हैं, जो workers होते हैं, उनको guide करना, उनको instruct करना। They are responsible for the quality as well as the quantity of the production। Quality के लिए भी responsible होते हैं, quantity, क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेशन में। सही है ना, ठीक है, तो ऑपरेशन जो होता है आपकी क्वालिटी को भी डिपेंड करता है और आपकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। सही है, इसी तरह दे आर आल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मेंटेनिंग रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बाकी जो है इसी तरह दे सुपरवाइज एंड गाइड द सबॉर्डिनेट। ठीक है, दे आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, वर्कर को ट्रेनिंग देना। ठीक है, दे अरेंज नेसेसरी मटेरियल, मशीन, टूल्स एटसेट्रा। ठीक है ना, ये तमाम चीजों के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह लास्ट में दे इंश्योर डिसिप्लिन एंटरप्राइज, दे मोटिवेट वर्कर्स, ऑल सिंपल वर्ड्स में है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या होती है, लोअर मैनेजमेंट की टास्क एंड रिस्पांसिबिलिटीज में आती है। क्लियर हो गया, समझ आ रही है ना? ठीक है, अब आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कांसेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक जो चीजें थी वो हमने रिवाइज भी कर ली, कुछ उसमें आ गया, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स करने का मकसद, जब आप मैनेजमेंट करते हो किसी चीज को, तो मकसद क्या, गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट, गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। जब आप मैनेजमेंट में डिफाइन कर देते हो ना एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, तो एफिशिएंसी का मतलब यही है कि गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट। सही है, कम से कम एफर्ट यूज करके मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करना, और मिनिमम एफर्ट में रिसोर्स यूटिलाइजेशन आता है कि आप अपनी कम से कम रिसोर्स यूज करते हो, मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करते हो, जिसको हम दूसरे टर्म में इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। समझ आ रही, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, अब बीइंग अ मैनेजर जो होता है, आप एक यूनिट या एक डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम है और आप चाहते हो कि आप रिसोर्सेज को जाया ना होने दें। ठीक है ना, कोशिश आपकी यही होगी, ठीक है, कि आपकी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो आपके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मटेरियल भी आता है, उसमें लेबर भी होते हैं, उसमें मशीनरी भी शामिल होती है, उसमें अदर मिसेलिनियस रिसोर्सेज भी शामिल होते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है? तो आप चाहते हो कि आपकी इफिशियंसी जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो ना कि डिक्रीज हो। सही है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करते हो। ठीक है, ताकि आपकी स्पॉइलेज ना हो, आपकी वेस्ट ना हो, आपकी कोई ब्रेकेज ना हो। ठीक है ना, आपका टाइम भी सेव हो, आपकी एफर्ट भी सही तरीके से यूटिलाइज हो, आपकी मनी भी कम से कम यूटिलाइज हो, कम से कम हो, आपकी कॉस्ट भी कम से कम आए। ठीक है, तो तभी आप क्या करोगे, आप अपने इंटरप्राइजेस को, आप इंटरप्राइजेस को ठीक है
तो बात हो रही थी हमारे पास किसी ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में ये भी शामिल होता है कि आप अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। क्योंकि जब आप मैनेजमेंट करते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड ग्रुप ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इन द इन द डिपार्टमेंट और एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज जो होती है दोनों की प्रॉस्पेरिटी का ख्याल रखना, समझ आ रही है ना। कि मैनेजमेंट बेसिकली इंश्योर करता है स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस, ठीक है। दिस इन टर्न हेल्प इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन द शेप ऑफ द गुड वर्किंग कंडीशन, सही है। एंड सुटेबल वेजेस सिस्टम, इंसेंटिव प्लान्स, ठीक है, इंसेंटिव प्लान्स ऑन द वन हैंड एंड हायर प्रॉफिट फॉर द एम्प्लॉय ऑन द अदर हैंड, समझ आ रही है, ठीक है। एक तरफ तो आपका गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्निंग करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, वेल्थ ऑफ द डायरेक्टर या वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज करना। लेकिन उसको आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अदर लोग जो होते हैं, अदर पीपल जो होती है, वो भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, उसको उसी तरीके से तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करोगे ताकि आपका एम्प्लॉय भी खुश रहे और आपका एम्प्लॉयर भी खुश रहे, ठीक है। एम्प्लॉयर का जो गोल है, एम्प्लॉयर का जो मकसद है, वो भी अचीव हो और एम्प्लॉयज भी आपके सेटिस्फाइड हो, ठीक है। ये बेसिकली मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वन इसमें है ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस, ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस। मैनेजमेंट जो होता है, ये बेसिकली मैनेजमेंट जो होता है, ये सर्व करता है एज अ टूल, ठीक है। एज अ टूल का मतलब है एज अ टूल या एज अ टेक्निक यूज करता है जिसके जरिए वो अपलिफ्ट कर सकता है, इंप्रूवमेंट ला सकता है सोसाइटी बेटरमेंट में, ठीक है, या बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितनी कहते हैं कि टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, मैनेजमेंट इंश्योर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग फॉर द सोसाइटी, इट प्रोवाइड जस्टिस थ्रू द यूनिफॉर्म पॉलिसीज, ठीक है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, ठीक है। अगर मैनेजमेंट में आपके पास पॉलिसीज जो होती है वो यूनिफॉर्म तरीके से इंश्योर हो जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी इंक्रीज कर देता करता है, ठीक है। और साथ साथ सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, तो अगर आप पोस्ट हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयज के लिहाज से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी जितनी इंक्रीज होगी तो रोजगार के मौके भी ज्यादा होंगे, ठीक है। जितने रोजगार के मौके ज्यादा होंगे उतना ही सोसाइटल डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट तक नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उसको भी देखता है, सही है। आजकल अगर हम बात करते हैं तो आजकल मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीएसआर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, ठीक है, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं, सही है। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सिर्फ इंटरनल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी मैनेज करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी मैयर करता है कि उसकी सेटअप के जरिए या उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है ना, या जो भी सर्विसेज है, उससे सोसाइटी को कितना फायदा है, कम्युनिटी को क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है ना, समझ आ रही है, क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो ये भी मैनेजमेंट की बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होता है। इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, लाजमी है, ठीक है, ग्रुप गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल उसमें शामिल होता है, ठीक है, मकसद ये इसके लिए किया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के आप क्या हो रहे, क्योंकि इसमें ह्यूमन नॉन ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज शामिल होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना, जो कि जिसके जरिए आप मैनेजमेंट की एफिकेसी या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन मुराद ये कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करना, बेटर तरीके से यूज करना रिसोर्सेज को, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके, ठीक है ना। रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, लाजमी है, कॉस्ट को रिडक्शन एक ऑब्जेक्टिव होता है। एस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपकी पॉलिसी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी तमाम स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज,
ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन साउंड हो, साउंड से मुराद स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉस्पेरिटी आए, ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, समझ आ रही है ना? ठीक है, वर्क के साथ साथ उसमें अचीवमेंट हो, ठीक है। इसी तरह establishes equilibrium या essential for the prosperity of the society, वही आपके पास objectives आ रहे हैं, ठीक है? ये हो गया हमारे पास object of the management। break करते हैं कि नहीं, continue नहीं करते हैं, इसको खत्म करना है, continue करते हैं, हाँ? ये basic चीजें हैं, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली बेसिक मैनेजमेंट है। कुछ लोग जो बिजनेस वाले उन्होंने शायद पढ़ा भी हो, ठीक है, क्योंकि ये कुछ नॉन बिजनेस है तो उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा, तो इस वजह से इसमें ये चीजें जरूरी होती है। डिफरेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट की जो फंक्शन होते हैं बेसिकली कि उसी ये फंक्शन जो है ये बेसिकली ओवरऑल मैनेजमेंट को आपको समराइज करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि तमाम एक कूजे में किसी चीज़ को बंद करना, ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन जो होते हैं ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं मैनेजरियल फंक्शन के वेरियस मैनेजमेंट स्कॉलर स्टडीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, मैनेजमेंट स्कॉलर्स की बात हो रही है, एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, प्रीवियस जो जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं कि दे स्कॉलरली स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया, उसको स्टडी किया एट डिफरेंट टाइम में, दे आइडेंटिफाइड द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इन देयर ओन वे, बट हेनरी फ्योल, दिस इज वन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक ऑथर है जो जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट मैनेजमेंट में डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, जो कि आजकल मैनेजमेंट ओवरऑल मैनेजमेंट में फॉलो किया जाए। हेनरी फ्योल फादर ऑफ द फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बी मार्क्स, to manage is to forecast plan to manage is to forecast and plan to organize to command to coordinate and control। Henry Fayol classified management function into 5 categories। usne 5 category mein management function ko mukhtalif order ne kiya hai, lekin isne jo hai 5 activities mein kiya ke jo management function hota hai wo start hota hai kis cheez se, to forecast or to plan se, kisi cheez ki planning karna, theek hai na, सही है, प्लानिंग होना फिर उसके लिए और उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको कमांड देना, फिर उसको कोऑर्डिनेट करना एंड देन कंट्रोल करना, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। इसी तरह लूथर बुलिक ऑफर अ लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अंडर द केच वर्ड पोर्टस्कोप, ये देखते हैं ये एक वर्ड है, ये आपको मैनेजमेंट में हमेशा ये मिलेगा पोर्टस्कोप, ये एब्रिवेशन है, ठीक है, किस चीज का है, P for each alphabet of this keyword, PORTSCOP stand for the following activity, P for planning, ठीक है, O for organization, organization means to organize, ठीक है, D for directing, S for staffing, CO for coordinating, R for reporting and B for budgeting, समझ आ रही ना, ये basically overall function को define कर रही है PORTSCOP, clear है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को, चलिए P O D S O R B I है या नहीं, नहीं बी 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 सही कर गया, हाँ ये उसके आगे वो है, आप क्या कहते हैं, हाँ ये नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। पोर्टस्कोप ये बेसिकली आपकी और मैनेजमेंट की जो ओवरऑल फंक्शन है ना, उसको एग्रीगेटेड फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू द लूथर ने, समझ आ रही है ना, प्लानिंग इसी तरह अकॉर्डिंग टू द कूंस एंड ओडोनेल ने कहा कि द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द मैनेजरियल एक्टिविटी, ये मैनेजमेंट फंक्शन है बेसिकली मैनेजरियल एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, इज टू ग्रुप देम अराउंड द फंक्शन ऑफ द प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये देख लें, ये सर्कल है, ठीक है, कूंस ने इसको क्या किया है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, इसमें एक दूसरे को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, लिंक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि all these are activities are linked together, ठीक है, one activity should not be completed with the help of the other activity, अगर एक एक्टिविटी आप उसमें स्किप करते हो, ठीक है, for example you cannot organize without planning, you cannot make controlling if you haven't planning the activities related to the project or related to the task related to the organization board, तो बचा रही है, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सही है ना, स्टार्ट होता है टू प्लान से, प्लानिंग से स्टार्ट होता है, समझ आ रही है।
ठीक है, प्लानिंग होगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ऑर्गेनाइजिंग होगा। जब प्लानिंग आप करते हो तो प्लानिंग में आप क्या करोगे, ये आप इसकी तरफ आते हैं, फिर उसके बाद स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, ये बेसिकली फाइव फंक्शन है, फाइव फंक्शंस होते हैं मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट या मैनेजमेंट फंक्शन इसको कहते हैं। क्लियर है ना? प्लानिंग क्या है यहां पर, इसको प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। जब आप किसी चीज को एडवांस में डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, ठीक है, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर प्लानिंग। अंडरस्टैंड? सो प्लानिंग बेसिकली ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। देखें यहां पर आपको डिफाइन किया, ठीक है ना, ये बेसिकली प्लान आपने, प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। स्टार्ट है ना, इनिशिएट है ना, सही है, आप अभी कहाँ है और कहाँ आप जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं, दिस इज योर गोल, समझ आ रही है, ठीक है। सो यहां पर ये देख ले, प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक थिंकिंग है ना, सिस्टमेटिक थिंकिंग, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप नॉलेज भी यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी थिंकिंग भी कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने लॉजिक भी यूज कर रहे हो, यहाँ पर अपना सेंस भी यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी आर्ट्स को भी यूज कर रहे हो, आर्ट से मुराद आपकी स्किल्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आप फ्यूचर गोल्स को भी डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए रिसोर्सेज को भी डिफाइन कर रहे हो, उसकी बजट को भी डिफाइन कर रहे हो, उसकी कॉस्ट को भी मैयर कर रहे हो, तमाम चीजें इस प्लानिंग में शामिल होती है। कैसे आप स्टार्ट करोगे, कैसे आप एंड तक पहुंचे, समझ आ रही है ना, आपका स्टार्ट क्या होगा, कैसे होगा, मिड क्या होगा, कितना टाइम होगा, कितने टाइम में कंप्लीट करूंगा, करोगे या करूंगा, ठीक है ना, सही है, कैसे करूंगा, हाउ आई विल डू इट, समझ आ रही है, तमाम चीजें क्या है आपकी, वो प्लानिंग है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अ साइंस, बट मैनेजमेंट इज अ साइंस आल्सो इज एन आर्ट, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन इसमें आती है, क्लियर है। तो प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक थिंकिंग थ्रू अबाउट वे एंड मीन फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्री डिटरमिन्ड गोल। इसमें आप क्या करते हो, प्री डिटरमिन्ड आपका एक गोल होता है, सही है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा, सही, जिसको वो अचीव करते हैं। प्लानिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज और एक्टिविटीज। ये आपको क्या करता है, ये जरूरी होता है, जिसके जरिए आप इस बात की इंश्योरिटी कर सके। It is all pervasive, it is an intellectual activity. Intellectual activity का मतलब है कि इसमें आपकी thinking शामिल होती है, सही है ना, समझ आ रही है। It also help in avoiding confusion, uncertainties and risk and wastage, ठीक है, उस चीजों को आपको मैनेज करता है। अगर कोई बिजनेस कोई रिस्की होता है, कोई प्रोजेक्ट रिस्की होता है, कुछ अनसर्टेनिटीज शामिल होती है, ठीक है, तो प्लानिंग के जरिए आप उस अनसर्टन को सर्टन कर सकते हैं, समझ आ रही है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, सही है। दिस दैट्स व्हाई प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द इन एवरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बजट प्लानिंग पे देखें कि बजट प्लानिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। बजट प्लानिंग डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, उसकी फॉरकास्टिंग करना, फॉरकास्टिंग मीन टू प्लान मैनेज कर, फॉर्मुलेटिंग ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड प्रिपरेशन ऑफ द स्केड्यूल्स और शेड्यूल्स, ठीक है, ये बजट प्लानिंग में शामिल है। So planning is a process of seeking answer of the following particular question: what is to be done, what is to be done, ठीक है, why it is to be done, how the work will be done, who will do the work, when the work will be done and where the work will be done, ठीक है ना। अब आप इसको किसी भी example में put कर सकते हैं, individual से लेकर किसी organization के जहां पर आप काम करते हैं या जहां पर आप duties करते हैं, ठीक है ना, उसमें आप इसको put कर सकते हैं, सही है ना, पेपर में भी आप उसको उसके मुताबिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही है, ठीक है। सो प्लानिंग परवेड्स इन ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर यूनिट में, हर टास्क में इन्वॉल्व होता है, और स्मॉल छोटा टास्क हो, वन टास्क हो, ग्रुप ऑफ द टास्क हो, ऑर्गेनाइजेशन टास्क हो, ठीक है ना, तमाम में प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये इसी सिर्फ ये होता है कि जो स्कोप ऑफ द प्लानिंग होता है वो सेम नहीं रहता, ठीक है ना, स्कोप ऑफ द सेम नहीं होता है। जिस तरह मैंने कहा कि जब नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है तो प्लानिंग भी उसके मुताबिक क्या होगी, चेंज होगी, होगी ना, ठीक है। तो इस लिहाज से सिर्फ स्कोप डिफरेंट हो जाता है, बाकी प्लानिंग उसमें इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, तमाम एक्टिविटीज को कंबाइन करना, इकट्ठा करना,
अब आप ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक यूनिट है, आपका यूनिट में काम करते हो, ठीक है, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, सही है। तमाम का मकसद किसी एक टास्क या एक प्रोजेक्ट से उसको किस तरह आप कंबाइन करते हो, ठीक है, और उसके जरिए मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, और जो प्रोजेक्ट होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करते हो, समझ आ रही ना। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, जब आप तमाम एक्टिविटीज रिसोर्सेज को कंबाइन कर देते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी फियोल, द ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस टू प्रोवाइड इट विद एवरी यूजफुल और टू फंक्शनिंग रॉ मटेरियल टूल्स कैपिटल पर्सनल एटसेट्रा, ठीक है, समझ आ रही है। ये तमाम चीजों को कंबाइन करना ये कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, ब्रीफली यहाँ पर डिफाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज का, सबसे पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना कि कौन सी एक्टिविटी नीड टू बी परफॉर्मड, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द एक्टिविटी व्हेन यू नीड टू परफॉर्म इट, और व्हेन यू वांट टू थ्रू व्हिच यू कैन अचीव योर गोल, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी इज नेसेसरी, क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, फिर उसको क्लासिफाई करना, ठीक है, सही। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो उसके लिए फाइनेंस के मुताबिक उसको उसमें ऑपरेशन एक्टिविटीज में रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, उसमें लेबर रिक्वायरमेंट होगी, उसमें और अदर रिसोर्सेज में रिक्वायर्ड होगी, तो आप उसके मुताबिक उसकी ग्रुपिंग करना, ठीक है, और उसको उस तरीके से मैनेज करना, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, जब आप ग्रुप एक्टिविटीज को क्लासीफाई कर देते हो उनके मुताबिक फिर उसको उनकी ड्यूटीज को असाइन करना, क्या कर रहे हो, असाइन करते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हो, और ग्रुप एक्टिविटीज में आप जो होता है आपका एक पर्सन जो होता है लीड हो जाता है, लीडर बन जाता है, ठीक है। अब लीडर क्या करता है, जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो तो हर एक को एक टास्क असाइन करते हैं, पहले उसकी ग्रुपिंग करता है, फिर उसको हर एक को टास्क असाइन करते हैं कि उसको किस तरीके से उसको मैनेज कर सकेंगे या कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग एक्टिविटीज करते हैं, फिर उसको असाइन किया जाता है, फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ उसकी अथॉरिटी भी डिमांड करते हैं, ठीक है। इसके पास जो इंडिविजुअल ग्रुपिंग होती है, इंडिविजुअल ड्यूटी पर्सन होता है ग्रुपिंग में, तो हर एक की अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज उसको अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तमाम चीजों को, तमाम टास्क को, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेट तरीके से उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इस तमाम प्रोसेस को बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग किया, क्लियर। अच्छा, थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग इज द मेन फंक्शन, इज द फंक्शन ऑफ द मीनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इन माइंड, ठीक है ना। Staffing is assumed greater importance in the recent year due to advancement of the technology. Okay, increase in size of the business, complexity of the human resources. सही है ना? ठीक है? जितना वक्त के साथ साथ तरक्की होती है ना? For example, यहाँ पर example है technology का. ठीक है? Technology क्या है या business का size की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो जितना business size extend होगा उतना ही आपको ज़्यादा employees की required होगी कि नहीं होगी? सही है? ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, ज्यादा स्टाफ रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा ना, समझ आ रही है। तो वर्क के साथ साथ जो होता है बिजनेस नेचर की वजह से स्टाफिंग इंपॉर्टेंट हो गया, स्टाफिंग करना, ठीक है। मेन पर्पस स्टाफिंग का क्या होता है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर राइट जॉब। आप ये आपको ये क्या होगा, उसके लिए आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से राइट मैन को, राइट पर्सन को राइट ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं, सही है। उसके लिए आप स्टाफिंग करते हो, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसको स्टाफिंग को पढ़ोगे डिटेल से, सही है ना, कि फिर स्टाफिंग के लिए क्या क्या टेक्निक अप्लाई होती है, ठीक है। सो मैनेजरियल फंक्शन ऑफ द स्टाफिंग इन्वॉल्व मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, उसके लिए इफेक्टिव सिलेक्शन, प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन करते हैं, अप्रेजल करते हैं, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन टू फिल द रोल डिजाइन द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हायरार्किकल लेवल होता है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, यूनिट मैनेजर्स होते हैं, फोरमैन हो गया, सुपरवाइजर्स होते हैं, एक लेवल होता है, हर एक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक टास्क उनको असाइन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज उनका असाइन होती है, या उनका एक अथॉरिटीज होती है उनके पास,
सही है। अब ये स्टाफिंग, अब फॉर एग्जाम्पल आप बीइंग अ मैनेजर जब आप किसी डिपार्टमेंट में किसी को हायर करते हो, ठीक है, तो वो आपकी नीड होगी, ठीक है ना। अब वो नीड जो होती है आपकी नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या करे उसके लिए आप क्या करोगे, पॉलिसी डिफाइन करोगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन की, स्किल्स की, एक्सपीरियंस की वगैरह चीजें डिफाइन करोगे, उसकी बेस पे आप क्या करते हो सिलेक्शन करते हो, ठीक है ना। या अगर आप जनरली आप ऑर्गेनाइजेशन अगर हम एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, एवलुएशन करते हैं, तो परफॉर्मेंस किस बेस पे मेजर होता है, उसके प्रीवियस परफॉर्म प्रीवियस वर्कआउट पे मेजर होगा, ठीक है ना, सही है। उसके लिए क्या होती है, एक पॉलिसी होती है जिसके जरिए आप किसी एम्प्लॉइज की प्रमोशन करते हो, ट्रांसफर करते हो, समझ आ रही है। ये तमाम चीजें स्टाफिंग में, या न्यू हायरिंग करते हो, उनको ट्रेनिंग देना, ये तमाम चीजें स्टाफिंग में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफिंग इन्वॉल्व जो होता है मैन पावर प्लानिंग एस्टीमेट, मैन पावर इन टर्म ऑफ द सर्चिंग, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग में क्या है, आप उसके लिए सर्चिंग करना, चूज द पर्सन एंड गिविंग द राइट प्लेस, तभी आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आप क्या करोगे, एक प्रोसेस होगा। इसी तरह रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेमुनरेशन देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, परफॉर्म प्रमोशन एंड ट्रांसफर देना, ये तमाम स्टाफिंग में इन्वॉल्व होती हैं और ये तमाम मैनेजमेंट फंक्शंस में का हिस्सा होती है, क्लियर है। डायरेक्टिंग का प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, आपके पास स्टाफिंग हो गया, या यहां तक आपने कर लिया, ठीक है, सही है। अब उसको डायरेक्ट करना, सही है ना। डायरेक्शन का काम किसका होता है, सुपरवाइजर का होता है, मोटिवेशंस होते हैं, लीडरशिप होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये भी ऑफिस मैनेजमेंट फंक्शन के एक पार्ट होता है, इसके जरिए डायरेक्शन करते हैं। अब यहां पर ये देख लें कि डायरेक्शन इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट व्हिच डील डायरेक्टली विद इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट हु सबऑर्डिनेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, समझ आ रही है। सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर इंप्लाइज ओवरसीज द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट, ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट जो कर माते हैं बाय सुपीरियर, इट इज एक्ट ऑफ वाचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर, सही है ना। डायरेक्शन दे रहे सुपरवाइजर है। मोटिवेशन क्या कर रहा है, मीन इंस्पायरिंग स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट विद ज़ील टू वर्क, पॉजिटिव नेगेटिव मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स मे बी यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है ना, ये मोटिवेशन का, ठीक है। इसी तरह लीडरशिप होगी, इसी तरह कम्युनिकेशन जो होते हैं, ये तमाम क्या होते हैं डायरेक्शन में का हिस्सा होती है, जिसके लिए डायरेक्शन को पॉसिबल किया जाता है, क्लियर। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, ठीक है ना। कंट्रोलिंग हम किस तरह करते हैं, कंट्रोलिंग हम एवलुएशन या मॉनिटरिंग के जरिए करते हैं, ठीक है ना। आपने बीइंग अ मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं कि वी नीड टू अचीव द टास्क और द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड व्हिच इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सही है ना। फिर आप देखते हो कि आपने जो एक्चुअल वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो उसमें अगर डिविएशन हैं या करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसको ऑन द स्पॉट आप उसको क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। ये बेसिकली कंट्रोलिंग कहलाता है कि आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुताबिक उसकी कंफर्मिटी रखते लाते हो, या उसको उसको उस एक्चुअल क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है उसको पॉसिबल करते हो। ये बेसिकली वो कंट्रोलिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल दीज आर रिलेटेड। अगर हम कंट्रोलिंग पर आते हैं तो कंट्रोलिंग से पहले अगर आपने स्टाफिंग नहीं किया, ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपने साइन नहीं किया, ठीक है, इसी तरह अगर आपने उससे पहले क्या है, उससे पहले आपने डायरेक्शन से पहले आपने उसकी स्टाफिंग नहीं की, स्टाफिंग से पहले अगर आपने तमाम एक्टिविटी रिसोर्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया, या तमाम छोड़ दिया आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया लेकिन उससे पहले आपने प्लानिंग नहीं की कि आपने किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह उसकी स्टाफिंग करोगे, किस तरह डायरेक्शन करोगे, तो आप नीड में कंट्रोलिंग कर सकोगे, नहीं कर सकते। इस वजह से तो ऑल दीज आर रिलेटेड ऑर्डरिंग विद ईच अदर, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, कैसे क्लियर हो गया। अब आते हैं डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ द सक्सेसफुल मैनेजर, ब्रीफली मैं इसको कर दूं कि एक सक्सेसफुल मैनेजर जो होते हैं उसकी क्वालिटीज क्या हो सकती है। कई क्वालिटीज हो सकती है, आप लोगों के जहन में भी हो सकती है, कई क्वालिटीज हो सकती है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो हमेशा यही होगा कि अक्सर रिस्पॉन्स आता है कि हॉनेस्ट होना चाहिए, सही है, एक्सपर्ट होना चाहिए,
ठीक है ना, अक्सर अमूमन ये होता है, ठीक है ना, एक्सपर्ट होना चाहिए, स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, सही है, एक्सपोजर उसका ज्यादा हो, अक्सर औकात ये हम कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। तो कुछ भी आप वो कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस में अगर आप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टॉप 10 क्वालिटीज डिफाइन किए हैं सक्सेसफुल मैनेजर की। देखिए, डेमोंस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी उसमें होना चाहिए। डेमोंस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी का मतलब है कि उसके पास स्किल या नॉलेज होना चाहिए कि वो उसको आगे प्रेजेंट कर सके, ठीक है ना, समझ आ रही है, कि जो भी सबोर्डिनेट या जिस डिपार्टमेंट में वो एज ए मैनेजर होता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होगा डिपार्टमेंट के लिए, और वो डिपार्टमेंट में उसको डेमोंस्ट्रेट तमाम उसमें प्रेजेंटेशन या डेमोंस्ट्रेशन स्किल नहीं होगी, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिकली वो दूसरों से भी काम एक्टिविटीज को, जो मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है या जो बेसिक टास्क या बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, सही है ना, सही है। तो इसके लिए जो होता है ये मैनेजर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड जो है डील्स ऑनेस्टली एंड डिप्लोमेटिकली, ठीक है ना, अ मैनेजर हु ऑन देयर मिस्टेक डील ओपनली एंड ऑनेस्टली विद अदर ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ दोस दे आर ट्राइंग टू लीड, समझ आ रही है, ठीक है, के देखो जिस तरह लीडरशिप होता है ना, ठीक है, तो लीडरशिप की भी अपनी क्वालिटीज होती है। हर कोई लीडरशिप नहीं कर सकता, हर कोई पूरी इसको इसको लीड नहीं कर सकता। लीडरशिप में आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक क्वालिटी है कि आप डिसीशन मेकर होना चाहिए, सही है ना, समझ आ रही है आप। दूसरा ये कि आपके पास जो आपके कोवर्कर्स होते हैं, आपके सबऑर्डिनेट, उनको मिलकर आपने चलाना होता है, सही है ना, होता है ना, ठीक है। तो इस लिहाज से जो ऑनेस्ट डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के लिए, डेमोंस्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है ना। तो मैनेजर हु इज रिस्पांसिबल टू द रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द बिजनेस एंड द नीड ऑफ द एम्प्लॉई इज एबल टू कीप हिज टीम एंड टारगेट एंड येट अचीव देयर गोल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ये कि एग्रेसिव ना हो, कंजर्वेटिव ना हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हो, उसको सॉल्व कर सकता हो, ठीक है। ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, अराइज होती है, प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर सकता हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शो कमिटमेंट एंड रिलायबिलिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर अगर मैनेजर कमिट ना हो, कमिटेड ना हो, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट भी ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, नॉन कमिटेड रहेगा, समझ आ रही ना, ठीक है। तो वो उसको उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन विजन होता है या ऑर्गेनाइजेशन मिशन होता है उसके मुताबिक वो कमिटेड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सही। गुड निगोशिएटर होना चाहिए, समझ आ रही है, निगोशिएटर आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि it will not on the respect of his employees but guaranteed the opportunities for further negotiation in future, ठीक है, सही है ना। जो भी task oriented होता है, task achievement होती है, goal achievement होती है, कोई activities होती है, कोई decision making होती है, ठीक है, तो उस employees के साथ साथ future goal को भी, future aspects को भी क्या करेगा, मैयर करेगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तौर planner होना चाहिए हमेशा, डिसीजन मेकिंग के लिए तौर प्लेनर जरूरी होता है, ठीक है ना, अगर आप प्लेनर ना हो तो आप डिसीजन मेकर भी नहीं बन सकते, सही है, ठीक है ना। और आप प्लेनर ना हो तो यू कैन नॉट, आप ये समझ लें कि यू कैन नॉट मैनेज और ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी, समझ बोले, तो प्लेनर जरूरी होता है। फेयर होना चाहिए, नो हाउ टू हैव फन एंड हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी सक्सेसफुल मैनेजर्स के लिए, ठीक है, बल्कि एवरी पर्सन अगर मैं कह दूं, ठीक है ना, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ऑन द स्पॉट जो होते हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, वो सिचुएशन का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है, उसको किस तरह मैनेज करना, उसको किस तरह हैंडल करना, सही है ना, ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है ऑन द स्पॉट, सीक टू अंडरस्टैंड दी अदर, ठीक है ना, सही, समझ आ रही। तो ये बेसिकली कुछ हमारे पास सक्सेसफुल मैनेजर के लिए जरूरी होती है, ठीक है, क्लियर हो गया, ब्रेक इसको स्टॉप कर।